अनुराधा अपनी सास कावेरी को बहुत पसंद करती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन अनुराधा की बहू ज्योति को अपनी दादी सास कोई खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके आने पर उसे बहुत सी परेशानियां हो जाती थी। एक दिन देर रात अनुराधा के पास उसके मायके से फोन आता है, जिसे सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और वो तुरंत अपने बहू बेटे के कमरे के पास जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। छोटी बहू, संजय बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। माफ करना बच्चों, मुझे इतनी रात में तुम लोगों को परेशान करना पड़ा। माँ, परेशानी कैसी, आप हमारी माँ हो और माँ तो कभी भी अपने बच्चों के कमरे में आ सकती है, लेकिन इतनी रात को आप आई हो, वो भी घबराई हुई, कोई बात है क्या माँ? बेटा तू तो जानता ही है ना कि काफी दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तेरे मामा का फोन आया था कि तेरी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें फौरन ही जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए, आप चल के हॉल में बैठिए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन बेटा अगर तू भी चला जाएगा तो फिर बहू यहाँ अकेले कैसे रहेगी? माँ जी आप चिंता मत करिए, मुझे अकेले रहने की आदत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नानी जी का ख्याल रखिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए ना आप वापस मत आना। बहू तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुझे तो तेरी चिंता हमेशा ही लगी रहेगी ना। एक काम कर, तू भी मेरे साथ मायके चल, या तो जब तक हम लोग वापस नहीं आते तो तू अपने मायके चली जा। माँ जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में इतना चिंता करती रहती हो, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ, आप जाकर नानी जी का ध्यान रखिए। माँ जब वो कह रही है कि वो अकेले रह सकती है तो रहने दो ना, आप इतना क्यों सोच रही हो? ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे तो जल्दी से नीचे आ जा, तेरा मैं इंतजार कर रही हूँ। अनुराधा इतना कहकर कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजय भी तैयार होकर अपनी माँ को लेकर अपनी नानी के घर निकल जाता है। सबके जाते ही ज्योति बहुत खुश हो जाती है और सुबह 11 बजे तक सोकर उठती है। पूरे दिन वो बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमती है और शॉपिंग करती है। किसी के ना रहने पर ज्योति बहुत खुश थी। एक दिन रात के समय ज्योति अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसकी दादी सास कावेरी घर की सीढ़ियों पर बैठी होती है। दादी जी आप सच में यहाँ बैठी हुई हो, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं इतनी बड़ी तेरे सामने बैठी हूँ, फिर भी तुझे ये लग रहा है कि तू सपना देख रही है पागल, तू पागल तो नहीं हो गई है? OMG दादी जी आप तो सच में यहाँ पर बैठी हुई हो, आप कब आए? जब से तू अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही थी शाम से मैं यहीं बैठी हूँ। दादी जी लेकिन आप यहाँ कर क्या रही हो, आपको यहाँ किसने बुलाया? ये कैसा सवाल है बहू, ये घर मेरे पोते और बेटे का है, जब यहाँ आने का मन करेगा मैं जब आऊंगी, मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, है तो बता दे। अरे नहीं नहीं दादी जी आप तो गलत समझ रही हो, अरे मेरे कहने का मतलब था कि आपने आने से पहले कोई खबर नहीं दी, बता देती तो मैं कहीं नहीं जाती। अब क्या सारी चीज तू यहीं पूछ लेगी, या घर का दरवाजा भी खोलेगी, यहाँ सीढ़ी पे बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द हो गया है। जी जी दादी जी अभी खोलती हूँ, अच्छा खासा मजे से रह रही थी, पता नहीं ये कहाँ से आ गई दादी। ज्योति दरवाजा खोलती है और कावेरी अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं आने का तो बहुत दिनों से सोच रही थी क्योंकि मुझे कुछ काम था लेकिन समय ही नहीं लग पा रहा था, फिर मुझे पता चला कि अनुराधा और संजय भी यहाँ नहीं है तो अकेली होंगी, इसलिए मैं तेरे पास ही रहने आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें बुलाया था कि मैं डर रही हूँ, आप आ जाइए, बिना बात के यहाँ टपक कर मेरे रंग में भंग डाल दिया इसने तो। बहू मेरे यहाँ आने से तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं दादी जी आपके आने से मुझे कोई तकलीफ क्यों ही होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है फिर इसी बात पे मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय बना दे, वो भी गर्मा गर्म, उसके बाद खाना बना लियो कुछ अच्छा सा। जी दादी जी अभी लाती हूँ। दादी सास के आने की वजह से ज्योति का सारा ऐशो आराम छिन जाता है, लेकिन उसकी छवि खराब ना हो इसलिए वो अपनी दादी सास के सामने कुछ नहीं बोलती। जैसा वो बोलती ज्योति बिल्कुल वैसा ही करती। एक दिन ज्योति अपनी दादी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जा रही होती है, जहाँ वो उसे फोन पर बात करते हुए सुनती है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं यहाँ अपनी 5 लाख वाली FD के चक्कर में ही आई हूँ, उसके साल पूरे हो गए हैं तो सोच रही हूँ अब FD तुड़वा के उन पैसों को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। अरे बाप रे मुझे तो पता ही नहीं था
कि मेरी दादी सास की इतनी बड़ी एफडी है। अगर इनकी एफडी के सारे पैसे मुझे मिल जाए ना, तब तो मजा ही आ जाएगा। जब दादी को मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास हो ही जाएगा। आज के बाद से अपनी दिल और जान दोनों लगा दूंगी दादी की सेवा करने में। कुछ देर बाद ज्योति खाना लेकर कमरे के अंदर जाती है और कावेरी उसे देखकर फोन काट देती है। और उस दिन के बाद से ज्योति पूरे दिल से अपनी दादी सास की सेवा करने लगती है, जिसे देखकर कावेरी बहुत खुश थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ज्योति उसकी सेवा दिल से नहीं बल्कि उसकी एफडी के पैसों के लिए कर रही है। दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद संजय और अनुराधा वापस आ जाते हैं और ज्योति को अपनी दादी सास की सेवा करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ जी प्रणाम, आप यहाँ कब आई? आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बहू, मुझे यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई है। परेशानी हो भी कैसे सकती है, ज्योति बहू जो यहाँ पर थी, तुझे पता है वो ज्योति बहू ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इस बार तो मेरी इसने बहुत सेवा करी है, ये देखकर मैं भी हैरान हो गई हूँ। माँ जी हैरान तो मैं भी हो गई हूँ, क्योंकि जिसके सामने आपका यहाँ आने के नाम लेने से मुंह बन जाता था, वो आज आपकी सेवा पानी कर रही है। ये बात तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ बहू, तू किस ख्यालों में खो गई है? मैंने सुना तेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, अब सब कुछ ठीक है। मैं तो बहुत डर गई थी कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तूने अच्छा किया कि तू कुछ दिनों के लिए अपने माँ के साथ रह आई। उनकी भी उम्र हो गई है, तो उनके साथ भी जितना वक्त बिता ले उतना अच्छा है। बाकी मेरा ध्यान रखने के लिए ज्योति बहू तो थी ही। बिल्कुल दादी जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको किसी भी चीज की ना कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ, आपकी बहू ठीक तो है ना? ये कब से दादी जी का ध्यान रखने लग गई? हो सकता है बेटा, दादी के साथ रहते रहते इस दादी से लगाव हो गया हो, क्योंकि तू तो जानता है ना कि तेरी दादी कितने अच्छे दिल की है। ज्योति के बदले हुए रूप को देखकर उसका पति और सास दोनों ही बहुत हैरान है। लेकिन किसी को भी सच नहीं पता था कि ज्योति की नज़र दादी की एफडी पर है। कुछ दिनों बाद कावेरी अपनी एफडी टुड़वा कर 2 गुना ज्यादा पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। दादी के हाथों में नोटों का बैग देखकर ज्योति की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी कावेरी ज्योति के पास जाती है और उसे सारे पैसे दे देती है। दादी, आप ये सारे पैसे मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि बहू, इन सभी पैसों पे तेरा हक है। मैंने बहुत पहले ये सोच कर ये एफडी करवाई थी कि अगर संजय की बहू मेरी सेवा पानी करने वाली आ गई तो मैं सारे पैसे उसके नाम कर दूंगी, वो जैसे चाहे उसे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। तू मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी, इसलिए मैंने ये पैसे तेरे नाम कर दिए हैं। जब तेरी सास और पति दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं थे, तूने मेरी बहुत अच्छे से सेवा करी है। अपनी दादी सास की साफ नीयत और अच्छा दिल देखकर ज्योति का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा और संजय भी ज्योति की सेवा के पीछे छिपे उसके स्वार्थ को समझ जाते हैं कि उसने ये सब कुछ अपनी दादी सास की एफडी के लिए किया था। कावेरी और रानी रिश्ते में सास बहू थी, लेकिन कावेरी अपनी बहू रानी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसके हर फैसले में उसका साथ देती थी। एक दिन रानी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी कावेरी वहाँ आती है। अरे रानी बहू, सुबह के 10 बज गए हैं, उठ जा, आज तुझे चंपा का लहंगा भी तो तैयार करना है, आज उसकी शादी है। माँ जी 10 बज गए, हे भगवान, आज मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? अब मैं क्या करूँगी, कैसे पूरा काम करूँगी? बहू चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेरा घर का काम खत्म कर दिया है, तुझे बस नहा धोकर अपनी दुकान के लिए निकलना है। माँ जी आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की, बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ये सब करने का। बहू इतना सोचने की जरूरत नहीं है, रोज तो तू ही करती है ना, अगर एक दिन नहीं किया तो तेरे दिल में मेरे लिए इज्जत कम हो जाएगी क्या? मुझे पता है रात में काम कर रही थी तू, इसीलिए तेरी आँख नहीं खुली होगी। हाँ माँ जी, रात में काम करते करते कब आँख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, अब जल्दी से तैयार हो जा वरना देर हो जाएगी दुकान के लिए। रानी एक फैशन डिजाइनर थी और अपनी खुद की फैशन बुटीक चलाती थी। उसका पति राघव काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहा करता, घर में सिर्फ उसकी सास और वो ही थी। रानी अपनी बुटीक पहुँच कर दुल्हा दुल्हन की फोटो को लहंगे में लगा रही होती है, तभी कावेरी भी वहाँ आ जाती है। ब-
बहू, ये वही लहंगा है ना जो तू कल रात से बना रही है? हाँ माँ जी, ये वही लहंगा है, बताइए तो कैसा लग रहा है? लेकिन तू इसमें फोटो क्यों लगा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। माँ जी, ये फोटो लहंगा है जिसमें डिजाइन के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन की फोटो भी लगी होगी, जिसे देखकर लोग इस लहंगे की तरफ खींचे चले आएंगे। मैंने ये नया डिजाइन निकाला है, अगर चल गया तो बहुत अच्छे पैसे आएंगे। बहू, तूने लहंगे में ये फोटो का तरीका अपना कर साधारण से लहंगे को कमाल का बना दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है तेरा ये डिजाइनर लहंगा छा जाएगा। कावेरी और रानी आपस में बात कर रही होती है, तभी वहाँ चंपा आ जाती है और अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। भाभी, आपने तो कमाल का लहंगा तैयार किया है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे इस छोटे से गांव में कोई इतना अच्छा लहंगा बना सकता है। तुम्हें खुशी हुई ना अपना लहंगा देखकर? तुम्हें पसंद आया, और क्या चाहिए मुझे? भाभी, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया है। आपके हाथों में तो सच में जादू है। अगर आप कहीं और अच्छी जगह रहती तो आप वहाँ अच्छे पैसे कमाती। कोई बात नहीं, अभी मैं जितने भी कमा रही हूँ ना, उसमें से मेरा अच्छा गुजारा चलता है। और वैसे भी मेरे पति तो शहर में ही कमा रहे हैं। मैं तो ये काम इसलिए करती हूँ ताकि मैंने जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना, उसे भूल ना जाऊँ। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप अपने पति के साथ शहर चले जाओ, वहाँ आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। अगर तुम्हें सच में मेरा काम अच्छा लगा है ना, और तुम चाहती हो कि मेरा ये कमाल का लहंगा और लोगों तक जाए और मैं अच्छा कमा सकूं, तो अपनी शादी में मुझे 2-4 लहंगे बनाने का ऑर्डर दिलवा दो। मैं इससे भी अच्छा लहंगा बना कर दूंगी। ठीक है, ये भी कोई कहने वाली बात है? आपका काम तो इतना अच्छा है कि लोग खुद पर खुद आएंगे आपके पास लहंगा बनवाने। अपने लहंगे की तारीफ सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और फोटो वाले अलग अलग बहुत सारे लहंगे बनाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन दोनों सास बहू फोटो से बनाया हुआ लहंगा पहनकर पड़ोस की शादी में जाती, जहां मेहमानों की नजर दुल्हन से ज्यादा उन पर होती है। माँ जी, ये सारे मेहमान दुल्हन को छोड़कर मुझे क्यों आकर देख रहे हैं? हम ठीक तो लग रहे हैं ना? यही मैं भी तुझसे पूछने वाली थी। इस उम्र में तूने मुझे लहंगा पहना दिया, शायद इसलिए हमें देख रहे होंगे। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। किसी के देखने पर मत जाइए, आप बहुत अच्छी लग रही हो। बहू, अच्छी तो तू भी लग रही है, लेकिन ये सब हमें क्यों घूर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। क्या बात है कावेरी, तुम तो कह ढा रही हो एकदम से। इस उम्र में भी तुम्हारे ऊपर लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मजाक उड़ा रही है ना मेरा? नहीं कावेरी, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे ये फोटो लहंगा कहाँ से बनवाया तुम दोनों सास बहू ने? बहुत सुंदर लग रहा है, सोच रही हूँ एक मैं भी बनवा लूँ अपनी देवरानी की बेटी की शादी में पहनने के लिए। बनवा ले, ये कमाल का लहंगा मेरी बहू ने खुद बनाया है अपने हाथों से। सच बोल रही है या झूठ? अरे एकदम सच बोल रही हूँ मैं, विश्वास ना हो तो चंपा से पूछ ले, उसकी शादी का लहंगा भी मेरी बहू ने बनाया है और उसे बहुत पसंद आया। पसंद क्यों नहीं आएगा, कितना अलग डिजाइन जो है इसका। मेरा भी मन कर रहा है फोटो लहंगा पहनने का। बहू, तू मेरे लिए भी फोटो लहंगा बनवा दे, जितने पैसे बोलेगी मैं उतने दे दूंगी तुझे। ठीक है आंटी जी, मैं बना दूंगी, आप चिंता मत करो। कमला की बात सुनकर और लोग भी वहाँ आ जाते हैं और रानी को फोटो लहंगे का ऑर्डर देते, जिसे पाकर रानी बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर आते हैं। माँ जी, आज तो मजा ही आ गया। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम फोटो लहंगा पहनकर जाएंगे तो सभी नोटिस करेंगे और हो सकता है हमारा काम भी पसंद आ जाए सबको और हमें ऑर्डर भी मिल जाते। और देखिए वही हुआ, हमें लहंगे के कितने सारे ऑर्डर मिल गए, इस सीजन हमें बहुत काम मिल गया। बिल्कुल सही कहा बहू तूने, और अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी देख जा काम मिलेगा मुझे लगता है। माँ जी, अब आपको भी ना मेरी मदद करनी पड़ेगी लहंगा बनाने में। लेकिन बहू, मुझे कहाँ आता है लहंगा बनाना, तूने तो कोर्स किया है लेकिन मैंने थोड़ी। जी माँ, मैं हूँ ना, मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, फिर मुझे क्या टेंशन है, मुझसे जो हो सकेगा मैं तेरी मदद करूंगी। अगले दिन से दोनों सास बहू लहंगे बनाने लग जाती। तभी कावेरी का बेटा राघव शहर से घर आता है और चारों तरफ लहंगा फैला देखकर कहता है, मैं कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया, हर तरफ लहंगे ही लहंगे दिखाई दे रहे हैं।
बेटा तू बिल्कुल सही घर में आया है। वो क्या है ना, बहू ने लहंगे में एक नया डिजाइन निकाला है फोटो लगाने का, जिससे लहंगे की डिमांड इतनी हो गई है कि पूछ मत। लेकिन आप लहंगे के साथ कर क्या रही हो, आपको तो लहंगा बनाना भी नहीं आता। बेटा मुझे बहू ने सब सिखा दिया है, अब उसके जितना नहीं लेकिन काम चलाऊ तो मैं भी बना लेती हूँ और उसकी मदद हो जाती है, मुझे भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ओहो, लगता है दोनों सास बहू पक्की बिजनेस वुमेन बन गई हो। लेकिन मैडम कहाँ है? बेटा वो ना मार्केट गई है लहंगे का कुछ सामान लेने, अभी आती होगी। राघव और कावेरी बात कर ही रहे होते हैं तभी रानी आ जाती है और अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। आप कब आए और बताया भी नहीं। अरे मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन तुम बहुत नोट छाप रही हो, आजकल तुम्हारे पास लहंगों के तो बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ जी, और सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई। वैसे आया तो मैं भी काम से ही था, वरना बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता। अच्छा जी, बताइए किस काम से आए हो। वो क्या है ना, मेरे बॉस की बेटी की शादी है, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरी बीबी की दुकान है लहंगों की, वो भी गांव में, और अच्छा भी बहुत बनाती है। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी में तुम्हारी पत्नी ही बनाएगी लहंगा, वो भी देखना चाहते हैं कि तुम कैसा बनाती हो। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर हैं। ऐसा मत बोलो, मैं अपने बॉस को जुबान देकर आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। रानी सारे काम छोड़कर राघव के बॉस का ऑर्डर पूरा करने में लग जाती है और जैसे तैसे करके दो दिन में उसका ऑर्डर तैयार कर देती, जिसे लेकर राघव शहर चला जाता है। राघव का बॉस फोटो लहंगा देखकर हैरान रह जाता है, साथ ही खुश भी होता है कि उसकी बेटी की शादी से राघव को भी लहंगे का ऑर्डर मिलता है। फिर क्या था, रानी का फोटो लहंगा गांव से लेकर शहर तक छा जाता है और उसे गांव के साथ साथ शहर से भी लहंगे बनाने के ऑर्डर मिलते हैं और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। मीनल बहुत समय बाद अपने पति नितिन के साथ मायके आती है तो अपने दामाद की खातिरदारी में मीनल की माँ केतकी बढ़िया पकवान बनाकर दोनों को खाने के लिए परोसती है। सासू माँ, खाना तो लाजवाब बनाया है आपने, सच में बहुत स्वाद है आपके हाथों में। होगा ही, मेरे मायके सा स्वादिष्ट खाना तो तुम्हें और कहीं मिलेगा ही नहीं। माँ जी की तरह मेरे मायके में जल्दी जल्दी खाना बनाकर नहीं रख देते। हमारे घर में भी ठीक ही खाना बनता है। वही तो, ठीक ठाक बनता है, स्वादिष्ट नहीं मेरे मायके जैसा। अरे बेटी क्या बातें लेकर बैठ गई तू, खाने के समय पर खाने पर ध्यान लगाओ, बातों में नहीं। दामाद जी ये हलवा लीजिए ना। नहीं नहीं सासू माँ, पेट भर गया है, बस चखने भर के लिए थे ना। अरे खा लो, अच्छे से खाना, ना जाने फिर कब ऐसा स्वादिष्ट खाना नसीब हो तुम्हें। मम्मी जरा भर कर डालो, ये तो ऐसे ही शर्माते रहेंगे। इस तरह मीनल जब भी अपनी मायके आती तो वहाँ के स्वादिष्ट खाने की भर भर कर तारीफ करती, इसे सुन सुन कर नितिन के कान पक गए थे। लेकिन अब भला बीवी से कौन पंगा ले। एक रोज मीनल की सास साधना पालक छाट रही होती है तो उन पालकों को देखकर मीनल का मुंह बन जाता है। माँ जी ये कैसी सड़ी गली पालक उठाकर ले आई हो आप, तभी कहूँ कि खाने में स्वाद क्यों नहीं आता। क्या बोल रही है बहू, अरे मैं थोड़ी गले सड़े पालक की सब्जी बनाने वाली हूँ, इसमें से मैं अच्छी अच्छी पत्तियाँ छाट रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है। यही तो दिक्कत है माँ जी, अरे ताजी चीजों का स्वाद अलग ही होता है। आप बताओ इन खराब पालकों को मैं बनाऊं कैसे। एक काम करो, आप रहने दो, मैं मार्केट से पालक लेकर आती हूँ और आज अपने मायके जैसा पालक बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है फिजूल का खर्चा करने की, अरे जब सामान है तो दूसरा क्यों लेकर आना, तू जाकर अपना काम कर। सही में माँ जी, आपको भी ना बस खाने से मतलब है और काम खत्म करना होता है। मैं तो ये पालक नहीं खाने वाली, इससे अच्छा तो मैं मेरे मायके में बनने वाली खिचड़ी खा लूं। जब देखो अपने मायके के गुणगान ही गाती रहती है, जिसे रोज ही इसके मायके में 56 भोग परोसा जाता है। इस तरह मीनल खाना बनाते हुए अक्सर अपनी सास को टोका करती, लेकिन सास बहू की कहां सुनने वाली थी, वो अपनी ही तरह से काम किया करती। एक रोज संडे के दिन नितिन तैयार होकर काम के लिए निकल रहा होता है तो साधना उसे टोकती है। अरे तू संडे के दिन कहां मजदूरी करने जा रहा है। माँ आज बॉस ने कोई जरूरी मीटिंग रखी है और इसकी जगह अगले वीक में ऑफ लेने को कहा है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। ये ऑफिस वालों का तो अलग ही मामला है। अरे तो खाली पेट ही चला जाएगा क्या, रुक चाय पी कर जा।
बहू, अरे ओ बहू। गुड मॉर्निंग माँ जी। ठीक है पहले जाओ और फटाफट कड़क चाय बना ला, नितिन को ऑफिस के लिए देर हो रही है। संडे को क्यों? क्यों? बिना राम कहानी सुनाए चाय नहीं बनाएगी क्या तू? रहने दे मैं ही फटाफट बना लेती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं जाती हूँ ना और एकदम मस्त कड़क चाय बनाऊंगी अपनी माई के जैसी। हाँ लेकिन थोड़ा जल्दी, मुझे निकलना है थोड़ी देर में। मीलन रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए बर्तन चढ़ाती है। 15 मिनट बीत जाते हैं लेकिन चाय नहीं आती, तो साधना रसोई में जाती है। बहू, एक इंसान के लिए चाय बना रही है या बारात के लिए? कितना समय लगा रही है? माँ जी चाय को ढंग से उबालूंगी नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? बस एक उबाल और आ जाए तो कप में डालकर ले आऊंगी। देखना ये चाय पीकर उनकी वाह वाह नहीं निकली तो कहना। माँ जी ये कहाँ गए? निकल गया वो ऑफिस, अभी अपने मायके की स्वादिष्ट चाय तो खुद ही पी ले, जरा सी भी अक्ल नहीं है। यहाँ उसे देर हो रही थी और ये महारानी है कि चाय को उबालने में लगी है ताकि स्वाद आए। अब वो तो चला गया बहू, ला मैं ही पी कर देखूँ तेरे मायके वाली चाय। हाँ हाँ आंटी पीजिए ना, स्वाद आ जाएगा आपको। पड़ोसन मीनल के हाथ की बनी चाय पीती है और नाक सिकोड़ कर कहती है, अरे ये चाय है या काढ़ा, कितनी कड़वी हो गई है। अब 5-5 बार उबालेगी तो यही होगा। उसे कड़वी नहीं आंटी, कड़क कहते हैं। अब यहाँ किसी को अच्छी चाय पीने की आदत ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? समय बीतता है और मीनल के ससुर सुरेश का जन्मदिन आता है, जिसके लिए साधना सभी अड़ोसी पड़ोसियों को दावत पर बुलाती है। देख बहू, तेरे ससुर जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने आज सभी को दावत पर बुलाया है, इसलिए बाहर का खाना भी ऑर्डर किया है। तू ऊपर से कांच के बर्तन निकाल ले। क्या माँ जी, बाहर से खाना क्यों मंगवाया? इससे अच्छा तो आप मेरे मायके से मंगवा लेती। अरे भाग्यवान, जरा मेरे कपड़े तो निकाल दो, सोच रहा हूँ थोड़ा दोस्तों से मिला हूँ। अरे अपने जन्मदिन के दिन आप बाहर क्यों जा रहे हो, घर पर ही रहिए, वैसे भी शाम को मेहमान आने वाले हैं। पापा जी आप कहें तो शाम का खाना आज मैं बनाऊं। अरे नहीं बहू, रोज तो घर का खाना बनता है, आज खास मौका है तो बाहर का खाना ही ठीक है, इससे तुम सास बहू को भी आराम मिलेगा। सुरेश के मना करने पर मीनल का मुंह बन जाता है। शाम को सभी लोग बैठकर दावत खा रहे होते हैं। ये दाल मखनी तो बहुत ही बढ़िया है माँ, जरा एक कटोरी और देना। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, क्या दावत रखी है आपने, इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ लजीज तो है, पर वो बात नहीं इस खाने में जो मेरे मायके के बने स्वादिष्ट खाने में होती है। अरे उसकी तो खुशबू से ही इंसान की भूख जाग उठती है। बस कर बहू, आज भी अपने मायके की गुणगान गा रही है, मायके का खाना इतना ही स्वादिष्ट लगता है तो जाकर वही खाना पीना कर लिया करना। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो भाग्यवान, शांत हो जाओ। हाँ माँ शांत हो जाओ, और मीनल की तो आदत है आप जानती हो। अरे तो आदत सुधारे ना, हर जगह के खाने में अलग तरीके का मसाला अलग तरीके का स्वाद होता है, ये बात इसके दिमाग में क्यों नहीं जाती है। हाँ बहू तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है, एक ही बात बार बार बोलने से क्या सुकून मिल जाता है तुझे। हाँ हाँ मेरी मायके की तारीफ तो किसी से सही ही नहीं जाती, आप लोग खाइए ये खाना, मुझे नहीं खाना और ना ही किसी से बात करनी है। मीनल गुस्सा होकर बिना खाए ही चली जाती है, ये बात साधना को बहुत बुरी लगती है। अगले कुछ दिनों भी मीनल मुंह फुलाकर बैठी रहती है तो सास परेशान होकर उसकी माँ को घर बुलाती है। ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये लोग फिर से तो कोई दावत नहीं दे रहे। समधन जी खाइए ना। माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तो कहाँ थी, देख मैं तेरे लिए आज खाना बना कर लाई हूँ, आजा बैठ जा खाने के लिए। मीनल अब तो खाना खा लो, ये हमने नहीं बनाया बल्कि तुम्हारे मायके का स्वादिष्ट खाना है ये। तुझे मेरे हाथ की खाने की इतनी याद आती है तो घर आ जाया कर, ऐसे अपने मायके के खाने का उदाहरण देकर दूसरों की मेहनत से बनाए खाने को बुरा क्यों कहती है? हाँ ऊपर से मुंह भी फुला लेती है। मानती हूँ माँ जी कि मैं कुछ ज्यादा बोल गई, माफ करना,
अब से मैं कभी आपके बनाए हुए खाने की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन आज ये खाना खाकर आप भी मानते हैं ना कि मेरे मायके का खाना स्वादिष्ट तो है। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मीनल का गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।